जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अम्मी भी देखती कि कैसे पहुंचती है तू उस बॉक्स की तरफ। मामी मुझे आपके कोई जेवर नहीं चाहिए, मुझे बस वो बॉक्स देखना था। हाय हाय, ऐसा क्या है उस बक्से में? वो मेरे बाबा। बाबा? तूने तो कहा था कि तेरे बाबा नाराज हैं तुझसे। हाँ, वो मेरे बाबा को नक्शाकारी करने का बहुत शौक है। हाँ, मैंने सोचा उस बॉक्स के अंदर एक सॉरी कार्ड डाल के भेज देती हूँ, हो सकता है ना कि मेरे बाबा मुझे माफ करते। कि बाबा को मनाने के लिए बक्सा चाहिए तो नील के साथ बाजार जाके ले आ, अब मेरा ही बक्सा क्यों? ए महारानी, ये कपड़ों की पोटली ले जाएगी अपने कमरे में। ओ भयंकर, ये मेरे कपड़े, मेरा सामान, ये सब ऐसे बिखरा हुआ क्यों पड़ा है यहाँ पे? क्या है ये सब? अरे अब लग रहा है ना जीता जागता कमरा, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में कोई इस कमरे के अंदर रहता है। देखो तो, ये मेरा फेवरेट टी-शर्ट। फेवरेट टी-शर्ट? शेजान मेरी फेवरेट टी-शर्ट है, वो छोड़ो उसे। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? ऐसा लग रहा है मेरे कमरे में साइक्लोन आ गया है। अपना सामान रखने के लिए तुमने जंगलियों की तरह मेरा कबर्ड खाली किया, और क्या रखने के लिए? अपना थोड़ा सा सामान और एक पोटली। नहीं नहीं, चीजें तो और भी हैं। और क्या चीजें हैं तुम्हारे पास? बहुत सारा सामान। ओ भयंकर, वो शेजवान, खाने पीने की चीजें कबर्ड में कौन रखता है? अरे आपको याद नहीं मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे रात को बहुत भूख लगती है, तो हॉस्टल से ही कुछ चटर पटर खाने की आदत है। अरे मिस चटर पटर, ये तुम्हारा हॉस्टल नहीं है, तो एक काम करो, अपना सामान निकालो और मेरा सामान फोल्ड करके कबर्ड में डालो, वरना मैं कह रहा हूँ। वरना क्या क्या करेंगे आप? चलिए मारिए मारिए मुझे। आप ये देखिए, मैंने ना कराटे सिखाया, अपने आप को डिफेंड करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। शेजान बनी कराटे? किसने कहा कि मैं तुम पर हाथ उठाने वाला हूँ चाहत? मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। जैसे? जैसे कि अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, तो उठ जा अब तलाश में, परवाजे परवाने की आस, भाभी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा छाला लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, किसी का हाथ नहीं तो सर पर, यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं, जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है, जरूरत यहाँ आंख मर्जी की और जुरत की है, ताकत की है, आफत की है, माकत की, इबादत की, अदालत की है, चाहत की, मोहब्बत की, अमानत की, जितने की आप आदत की है, शौरत की है, लालच की है, तेरे भाई जैसा कोई हाड़ी नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अब नील, अब जरा आप हटने की जहमत करेंगे, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। एक काम करो, फ्लोर पर गद्दे डाल दो और सो जाओ। फ्लोर पे? मतलब? मेरा मतलब ये है कि ये बेड सिर्फ मेरा है। फर्श पे सोऊंगी, और अगर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े आ गए तो फिर
मुझे डालनी ही नहीं है नीचे सोने की आदत। सुनो वो विंडो बंद करो, विंड चाइम की आवाज सुनकर मुझे ठीक से नींद नहीं आएगी। मैं क्यों आपकी बात सुनूं? मैं क्या आपकी गुलाम हूँ? मैं नहीं बंद करूंगी। नहीं बंद करोगी? नहीं। तो ठीक है, मैं अपने हाथों से बंद कर देता हूँ, वरना तर 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 करके मुझे इरिटेट करेगा। आपको यही मेंढक लगती है जो टर 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 करेंगी? मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे इन्हें हाथ लगाएंगे। इन्हें? तुम क्या घर पे हर एक चीज को रिस्पेक्ट देती हो? एक काम कीजिए, साइड में हटिए ताकि मैं इन्हें बंद कर सकूं और इन्हें भी बंद कर सकूं। नो नो नो, मुझे विंडोज ओपन चाहिए। अब तू रहती है, तू रहती है। आखिरी निशानी? एक मिनट, तुम्हारी माँ तो जिंदा है ना? वो मिसेस बेग है, मेरे बाबा की दूसरी बीवी। मेरी अम्मी का इंतकाल तो बचपन में ही हो गया था। I'm sorry. लेकिन आपने अभी चुमका घुमा दिया। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी अम्मी का चुमका चाहिए, चाहिए, चाहिए। रोना बंद करो, मुझे दो, मैं ये लगाता हूँ और तुम्हारा झुमका भी ढूंढता हूँ। तुम बेड पे बैठो जाके प्लीज। अरे ढूंढ रहा हूँ, रोना बंद करो यार, मैं ढूंढ रहा हूँ। सुनो चाह, तुम भी जरा नजर मारो, शायद से तुम्हें भी मिल जाए। झुमका कहाँ गिर गया? मैंने तो सच में बेचारी की माँ का झुमका घुमा दिया। I'm sorry आंटी, किसी को खोने का तो क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और मैं नहीं चाहता किसी को दुख के साथ जीना पड़े, चाहे वो मेरे दुश्मन की बेटी क्यों ना हो। सॉरी। इसका मतलब ये जानबूझ के मुझसे मेहनत करवा रही है, ये सो रही है, लेकिन कल सुबह भगवान इसे मुझसे बचाए। देख रही हो ना चाँद की अम्मी, आपकी बेटी हाथ से निकलते जा रही है, संभाल लीजिए इसे। व्यास जी, मैं बोल रहा हूं। तुमसे कितनी बार कहा है फोन मत किया करो? मैंने बस पूछने के लिए फोन किया कि आपको मेरा भेंट मिल तो गया होगा ना। इसका कोई उपयोग होगा नहीं, तुम्हें क्या लगता है भेंट भेज के तुम परिवार के निकट आ जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। फोन करके मेरा और अपना समय नष्ट मत किया करो।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।